देखो भाई, अभी हम लोग बढ़िया बढ़िया सवाल रेंज का करने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ? चलो भाई देखो ध्यान से। फाइंड द रेंज ऑफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस स्क्वायर। रेंज में क्या है कि आपको अलग अलग प्रकार के सवाल को बनाने समय अलग अलग दाव पेच का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना होता है। अल्टीमेटली रेंज में हमको यह पता करना होता है कि वाई कहां से कहां तक वेरी करेगा रियल एक्स के लिए। क्लियर है? तो भाई सबसे पहले किसी फंक्शन का रेंज निकालने के पहले उस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। क्या बोले भाई, क्या निकालते हैं? क्योंकि डोमेन एक आइडिया देता है कि रेंज को निकाला कैसे जाए। तो भाई पहले डोमेन, डोमेन क्या है भाई? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई शुड बी ए रियल एंड डिटर्मिनेंट इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। बच्चा लोग से डोमेन निकल जाता है लेकिन रेंज में फंस जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो भाई क्या करते हैं भाई, टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन कैसे निकालते हैं? तो डोमेन तो निकालने जान रहे हो भाई कि भाई डिनोमिनेटर अगर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो भाई एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर को जब जरा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि डिनोमिनेटर इसका कभी जीरो होने वाला है क्या? हेंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स फ्रॉम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इज इट क्लियर नॉट? अब देखो बेटा ध्यान से, अगर किसी फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर हो तो देखो क्या है ना कि यहां पर वाई भी हो सकता है, यहां पर एफएक्स भी हो सकता है ना? तो सबसे पहले भैया वो एफएक्स जहां हो उसको वाई कर लो। नितेश साहब समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, एफएक्स को वाई रखने रख लेना है ना। देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। क्या करते हैं भाई, अभी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस्ड है कि नहीं? अब क्या करेंगे भाई, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे भाई, वाई वन जा वाई और वाई इन टू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई इन टू एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर इन टू वन माइनस वाई। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर वाई बाय वन माइनस वाई। बोलो बेटा हाँ या ना? अब थोड़ा कंसंट्रेट करो और जरा ध्यान से देखो, तो एक्स बराबर क्या भाई, रूट अंडर वाई बाय वन माइनस वाई। समझ में आया है नहीं यार? अब सोचो कि कहां से कहां तक रखें वाई कि एक्स रियल मिले। तो हम लोग सब जानते हैं कि रूट के अंदर वाला क्वांटिटी जब तक जीरो से बड़ा नहीं होगा तब तक रूट अंडर दैट रियल नहीं होगा, तब तक एक्स रियल नहीं होगा। ये बात समझ में आया नहीं आया? तो एक्स रियल मिले, एक्स का वैल्यू रियल मिले, इसके लिए रूट के अंदर वाला क्वांटिटी यानी कि वाई बटा वन माइनस वाई को जीरो से बड़ा होना होगा। आपका नाम क्या है? प्रियांशु भाई। देखो भाई क्या है ना कि इसका साइन स्कीम यानी चिन्ह योजना कैसे निकालते हैं। चिन्ह योजना निकालने के लिए, साइन स्कीम निकालने के लिए ऊपर वाला कहां जीरो होता है वो चेक करते हैं। अच्छा जीरो पर हो रहा है, ठीक है। नीचे वाला कहां जीरो हो रहा है? अच्छा वन पे हो रहा है। कहां पर हो रहा है भैया? क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर का रूट है इसीलिए क्लोज नहीं लेंगे, ओपन ले लेंगे। और ये जीरो से बड़ा भी चलेगा और बराबर भी चलेगा, यानी कि ये जीरो से बड़ा भी चल सकता है और जीरो के बराबर भी चल सकता है। अशरफ भैया समझ में आ रही बात? तो भाई ध्यान रहे कि कोई भी फंक्शन अपना साइन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के रूट पर ही करता है यदि उसका रिपीटेशन ऑड टाइम होता है। अगर यहां रहता स्क्वायर तो ये वाई माइनस वन माइनस वाई दो बार आ गया, इवन टाइम हो गया। अगर रहता क्यूब तो तीन टाइम हो गया। तो ऑड टाइम रिपीटेशन होगा तो जहां जहां रूट मिल रहा है उसके अगल बगल का साइन बदलेगा,
और इवेंट टाइम रिपीटेशन होगा तो नहीं बदलेगा, ठीक है, पक्का बात। अब यहां पर ध्यान से देखो, अपने आर्चर बदलेगा साइन तभी जब रूट मिलेगा, बिना रूट का साइन नहीं बदल सकता है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो क्रॉस करेगा, है ना। 100 पुट किए तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव बटे नेगेटिव, नेगेटिव 100 किधर है भाई, तो 1 से बड़ा के लिए नेगेटिव, 0 से 1 के लिए और 0 से छोटे के लिए, तो ये भैया 0 से बड़ा कब होगा, जब y बिलोंग्स करेगा 0 से लेकर ओपन क्लोज, तुमको समझ में आ गया होगा भैया, बताए थे एकदम क्लास के बाद धर लोगे, 10 मिनट का मामला है, सीख लोगे भैया से। तो y बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू 1 इन क्लोज इंटरवल, बड़ा ब्रैकेट जहां हो मतलब समझो कि उसको ले लिए, तो 0 से लेकर के छोटा ब्रैकेट जहां हो उसको छोड़ दिए, क्या कर दिए, मेरा है मेरा नहीं है, तो यहां छोड़ा हुआ है, है ना। यानी जो शेडेड रीजन है दैट इज द आंसर। तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भाई, अब ध्यान समझना कि जब y का मान 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है तभी x रियल है, यानी तमाम रियल x के लिए y यहीं से यहीं वेरी कर रहा होगा। इज इट क्लियर नॉट, दैट्स why, है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स फ्रॉम कहां से कहां तक भैया बोलो, 0 से लेकर के 1 के पर, 1 पर ओपन लगा नहीं। इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है, अब वो एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा चर्चा करें उस पर भी, देखते हैं। आ जा भाई इधर भाई, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम मार्केट में ताजा ताजा नया नया है भाई, और एक के दुकान में मिलता है कॉन्सेप्ट, देखो भाई ध्यान से क्या है भाई, यदि y बराबर है एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा अब एनालिसिस करते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान समझना, ऊपर में एक है नीचे, ऊपर भी x है नीचे भी x है, ध्यान देना, x का मान 1 तो भाई मान कितना, 1/2, पक्का 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 बेटा, x का मान 0 तो मान कितना 1, तो अच्छा चलो भाई, अब x का मान क्या है भाई, x का मान हटा के क्या कर रहे हैं भाई, अभी फिलहाल समझ जाओ, एक छोटा सा है ना, अभी स्क्वायर भूल जाओ थोड़ा देर के, है ना, स्क्वायर तो और तेईस भागेगा, ये फंक्शन है। अब x का मान 1 तो भाई मान कितना, x का मान 2 तो मान कितना, x का मान 3 तो मान कितना, बेटा मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, 0 से हाफ हो गया तो घट ही गया होगा, 0 से हाफ होने पे तो सुनते हैं घट जाता है, आज बेटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक समय कितना हो जाएगा, तो दो तरह का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक जो रुकने का नाम नहीं लेता है, एक जो बड़ा डरते डरते बढ़ता है, ये दूसरे टाइप वाला है, ये डरते डरते बढ़ रहा है, जाकर के एसिम्प्टोट क्रिएट करेगा 1 पे, है ना। तो ये बात तय है कि हम समझदार हैं और हम जानते हैं कि भैया ये जो है सो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, और ये अपना मिनिमा कहां देगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जोर से। अब यहां पर हम लोग क्या किए, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई पिछले केस में लिखे थे, इस बार x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिखेंगे, अपना भेजा लगाएंगे कि भाई अब, लेकिन इसमें आपको पहचानने आना चाहिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और वो धीरे धीरे आएगा। अब पूरा एनालिसिस हो रहा है, क्या हो रहा है,
अब एकदम एनालिटिकल अप्रोच कि भैया ये इंक्रीजिंग है, हम समझ गए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तो जीरो पर ये क्या देगा, सबसे छोटे मान पे सबसे छोटा मान देगा और सबसे बड़े मान पे सबसे बड़ा मान देगा। आया भाई बात समझ में? इतना बात तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अब देखो बेटा मामला क्या है कि सबसे छोटा इसका क्या मान हो सकता है इनपुट का, जीरो, तो जीरो बटे वन जोड़ जीरो बराबर वन देगा कि नहीं देगा, जीरो देगा। चलो ठीक, तो वाई का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या मिला, जीरो। बहुत सुंदर बात, क्लियर है भाई। अब इन्फिनिटी पर क्या देगा, तो इन्फिनिटी बटे वन प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, तो भगवान जाने। तो जब भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में जाता है तो क्या करते हैं, जोर से बोलो क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाते हैं, याद करो भाई, बोलो जोर से। अब जब जीरो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट में होता था तो क्या करते थे, सबसे बड़ा पावर से डिवाइड करते थे, क्या करते थे, तो सबसे बड़ा पावर क्या है भैया, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बोलो बेटा क्या मिल गया। अब इन्फिनिटी लोड करते हैं तो वन बटे इन्फिनिटी क्या मिल जाएगा, जीरो, और वन बटे वन क्या मिल जाएगा, तो इसका मिनिमम जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन वेरीज फ्रॉम मिनिमम ऑफ द फंक्शन टू मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, जीरो से लेके कितना तक भाई, वन पर। अब वन पर ओपन या क्लोज कैसे समझेंगे भाई, जो इन्फिनिटी पे मिलता है वो नहीं मिलता है, लगता है कि मिल जाएगा, तो जब x इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा, ना x होगा ना वन होगा, तो इसीलिए ओपन लगा देते हैं। आए भाई बात समझे। अब देखो दो अप्रोच है, अगर फास्ट बनाना होगा तो कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, इसमें गलती हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपको इंडिविजुअली हर प्रकार के फंक्शन के चरित्र को जानना होगा कि कैसा उसका नेचर है। आ रहा है भाई बात समझ में? तो चलिए, तो दोनों तरीका से आप नोट करिए। अब हम लोग दूसरे सवाल पर जाते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। भाई देखो समय नहीं है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, सच पूछो तो हमको लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते है ना, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या करना है भाई, वाई बराबर लॉग ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव अंडर बेस ई में, ठीक है भाई। देखो बेटा ध्यान से, y बराबर log ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अंडर बेस e में, कहता क्या है भाई, डोमेन और रेंज निकालो। डोमेन का मतलब क्या, कहां से कहां तक x रखें ताकि y रियल और डोमेन, और कहां से कहां तक y रखें ताकि x रियल वह रेंज, ठीक है भाई। चलो अब देखो भाई डोमेन में क्या कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग ऑफ दिस इज रियल इफ एंड ओनली इफ व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 0। लॉग हाथी तब रियल और डिफाइंड जब हाथी 0 से बड़ा। कोई दिक्कत है भाई, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो कि भैया ये 0 से बड़ा तो फैक्टराइज होगा क्या, देखो तो नहीं होगा, अगर फैक्टराइज नहीं होता तो डिस्क्रिमिनेंट पर जाके देखते हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई, बी स्क्वायर तो 16, तो माइनस फोर का स्क्वायर हो गया 16, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, पांच तिया पंद्रह चौका 60 हो गया कितना भाई, नेगेटिव।
डिस्क्रिमिनेंट कैसा है यहां पर? निगेटिव है। बोलो बेटा डिस्क्रिमिनेंट कैसा है यहां पर? और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है यहां पर? जोर से बोलो। तो भाई पाराबोला ऊपर खुलेगा कि नीचे? और कै बार कट करेगा कि टच करेगा? ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा। यानी इसका मान हर एक्स के लिए जीरो से बड़ा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? Hence, the domain of the function varies from state of all real number। हाँ बेटा है क्या ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है तो दो बार कट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, ने दो रियल रूट मिलता है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो सिर्फ टच करता है, ठीक है, है ना। ये सब चीज नोट करो और फिर पूछना होगा, है ना, हर दिन। अब पूरे क्लास में क्या है कि आप थोड़ा लेट आए हो तो पूरे क्लास में 10 बात समझ में आएगी, 2 बात समझ में नहीं आएगी। उस 2 बात को ध्यान में, हाँ ये नहीं समझ में आया सर, ये ग्राफ नहीं समझ में, तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, एकदम निश्चित दिया जाएगा, एकदम निश्चित रहो, ठीक है, ठीक है। या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन का यूट्यूब पर वीडियो देखो, सारा डिटेल में दिया गया। मोबाइल रखो बड़ा वाला, देखा ना कौन वाला मोबाइल है तुम्हारे पास, तो सारा डिटेल दिया हुआ। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है बेटा। अभी फिलहाल समझ जाओ कि इसमें कुछ भी एक्स रख लोगे ना, ये जीरो से बड़ा ही होना है, ठीक है, कुछ भी एक्स रखेंगे क्या मिलेगा, ये जीरो से बड़ा ही मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा, ये बात तय। हाँ। आगे बढ़े बड़े भाई आगे, चलो अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज हियर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत। अब रेंज कैसे निकालते हैं भाई? आप देखो रेंज कैसे निकालते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गया कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हमेशा जीरो से बड़ा है, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कोई दिक्कत है भाई? पक्का बात? और आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना जो मिनिमम वैल्यू होता है कहां देता था भाई? कहां पर देता था? माइनस बी बाय टू पर। कितना देता था? कहां कितना देता था भाई? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। इसका मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा वो माइनस बी बाय टू ए पर कितना मिलेगा, जहां माइनस बी बाय टू ए ये वाला है, और कितना मिलेगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a मिलेगा, ठीक है बेटा। और यहां से अनंत तक जाएगा, कहां तक जाएगा भाई? बेटा 4 तो 4 है और a क्या है भाई? 3 है, और c बेटा 5 है, और b का स्क्वायर दे बेटा 16 है, और फिर a तो भैया 3 है। तो चर दिया 12 पंचे 60 में से गया 16, 60 में से भैया 10 घटा दो 50, अब 50 में से 6 घटा दो 44, और 44 बटे 4 गुना 3 तो चर 11 44 तो 11/3, यानी 3x स्क्वायर माइनस, देखो भाई अब यहां पर फिर ध्यान देना, कोई कन्वर्सन नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, टटोल रहे हैं कि कहां से कहां तक y वेरी कर सकता है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक ही मुद्दा है कि y कहां से कहां तक रह सकता है, तमाम x के लिए एक भी छूटना नहीं चाहिए। दैट वन इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, that one is the range of the function, is it clear or not? बेटा कहता है अभी अभी एकदम ताजा ताजा पता चला कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हमेशा 11/3 से बड़ा और बराबर होगा, greater than to, this is greater than equal to this, और इधर से पढ़ेंगे तो this is less than equal to this, और ये छोटा होगा infinity से। आप लोग पढ़े होंगे कि यदि x1 बड़ा है x2 से तो फंक्शन ऑफ x1 बड़ा होता है फंक्शन ऑफ x2 से, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? यही पढ़े थे, लेकिन इसके साथ कुछ शर्त था कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, याद है। और यदि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसा होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x1 यदि बड़ा है x2 से तो फंक्शन ऑफ x1 जो होगा वह छोटा होगा फंक्शन ऑफ, याद आ रहा है भाई? यदि x1 बड़ा है x2 से, ठीक है भाई,
तो फंक्शन ऑफ एक्स वन छोटा होगा फंक्शन ऑफ एक्स टू से। यदि ग्राफ डिक्रीजिंग है, डाउनवर्ड हो रहा है, घट रहा है, आ रहा बेटा समझ में? चलिए अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए कि करना क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का जो वैल्यू है 11 बटे 3 से लेके कहां तक वेरी कर रहा है भाई? तो लॉग जब ई बेस में होता है ना तो इंक्रीजिंग होता है क्योंकि ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। लॉग ई बेस में क्या है भाई? इंक्रीजिंग है। तो टेकिंग लॉग ऑल द साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल साइड, अंडर बेस, तो ई बेस में लॉग लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा क्योंकि ई वन से बड़ा है और वन से बड़े बेस में लॉग इंक्रीजिंग है। यही हाफ बेस रहता तो लॉग लेते तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है। ठीक है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ 11 बाई 3 अंडर बेस ई तमाम एक्स के लिए, यह इससे बड़ा और उससे छोटा है, यानी तमाम एक्स के लिए लॉग ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अंडर बेस ई इससे बड़ा है और लॉग इनफिनिटी अंडर बेस ई से छोटा है। बेटा इसी को तो हम y बोल रहे हैं, यानी y हमेशा लॉग ऑफ 11 बाई 3 अंडर बेस ई से हमेशा बड़ा और बराबर है और लॉग का इन्फिनिटी पे मान इन्फिनिटी होता है यदि बेस 1 से, याद करो ग्राफ कैसा जाता था भाई? नहीं याद है भाई? 1 से बड़े बेस में लॉग का ग्राफ कैसा था? इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देता था। ठीक है भाई, तो जहां से जहां तक वाई वेरी करता है दैट वाज द रेंज ऑफ द फंक्शन। कहां से कहां तक भाई? लॉग ऑफ 11 बाई 3 कहां से कहां तक बोलो भाई? लॉग ऑफ 11 बाई 3 अंडर बेस ई से लेकर के इन्फिनिटी के पहले तक। हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है वो रेंज का भी सवाल है और वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह आपको याद भी रहना चाहिए ऐसा सवाल है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए। रेंज को हल्के में बेटा नहीं लेना है, आपको रेंज के लिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है भाई, लिखिए फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y बराबर a cos x जोर b sin x। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका ढेर सारा यूजेस भी है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी। तो y बराबर a sin x जोर b cos x है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? हेलो हेलो, a cos x जोर b, कहता है इसका रेंज निकालो। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से इसको ले लेते हैं a, इसको b, इसको ले लेते हैं, मतलब a और b को माइंड में ऐसा सेट करो कि एक परपेंडिकुलर का जगह ले रहा है तो एक बेस का जगह ले रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर जो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। बोलो भाई सही है बेटा, y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर है इनटू, अब कोई ना कोई एंगल जरूर बन रहा होगा
जिसके लिए यह लेंथ ए और यह लेंथ बी अवश्य होगा, तो हाइपोटेन्यूज रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर अवश्य होगा। यानी यदि हम साइन अल्फा बराबर ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर को माने तो ऑटोमेटिकली कॉस अल्फा बराबर बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर क्या हो गया भाई, तो ये क्या हो गया भाई, पक्का बात भाई, साइन एक्स। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर जोर बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा। अब वो जो फंक्शन है एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट के बारे में थोड़ी जानकारी हमें है। चूंकि हम जानते हैं साइन एक्स प्लस अल्फा हो या कुछ भी हो, यह हमेशा माइनस वन से वन के बीच में रहेगा। और बेटा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई ऑल साइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है आपको बेटा, एकदम आसान है कि नहीं, पक्का। छोटा और बराबर होगा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, साइन एक्स प्लस अल्फा से, और छोटा और बराबर होगा किसके भाई, रूट अंडर कहीं को दिक्कत आ रहा है बात समझ में। दिस इंप्लाइज वाई, यही तो है ना वाई भाई, देखो तो गौर से, जो ये है सो ये है सो ये है सो ये है, और ये तो भैया वाई है, और ये सब भी तो वाई है। यानी वाई वेरी क्या कहा भाई, माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर से लेकर के रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर तक। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा भाई, जरा देख लो, दिस इंप्लाइज है ना भाई, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स फ्रॉम माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर से लेकर के है ना रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर तक। कोई दिक्कत है भाई, अब इसको एकदम याद करके रख सकते हो कैसे कैसे सवाल बनना है। ठीक है भाई, रेंज पे आज इतना ही सवाल, आप लोग कल सवाल बना करके, रेंज का सवाल बना करके आइए। ठीक है, कल फंक्शन को हम लोग एक तरह से वाइंड अप करेंगे है ना, और मंगलवार से कंटिन्यूटी शुरू करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, चलो भाई बनाओगे सवाल सब।